क्या आप जानते हैं आप अपने किसी भी फोल्डर पे अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है जिसे मैं करूँगी ओपन विद पेंट। मैंने यहाँ पे किया उसे ओपन विद पेंट। पेंट पे इसलिए ओपन करना है क्योंकि इसका ओरिजिनल साइज़ एक जेपीजी फाइल में है। जेपीजी बहुत बड़ी पिक्चर होती है। अब हम इसे करेंगे एक बीएमपी में। यहाँ पे मैं रीसाइज़ पे जाऊँगी और इसे हम कर देंगे 50-50 के रेशियो पे। ओके, ये साइज़ रिड्यूस हो गया है। अब हम इसे करेंगे सेव। फाइल को हम करेंगे सेव एज बीएमपी पिक्चर। ये ऑलरेडी जेपीजी में है। अब हम इसे करेंगे एक बीएमपी पिक्चर में सेव क्योंकि हमें आइकन बनाना है। और इसे करेंगे डेस्कटॉप पे सेव। मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम दिया है, पिक्चर का नाम दिया है फॉर फोल्डर क्योंकि मुझे फोल्डर पे अप्लाई करना है। ओके, क्लोज करेंगे पिक्चर को और अब हम उसी फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे हमने इस पिक्चर को अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है टेक प्लस जस्सी के नाम से, मुझे इस पे लगाना है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, कस्टमाइज, यहाँ पे चेंज आइकन, यहाँ पे ब्राउज करेंगे उस पिक्चर को। डेस्कटॉप पे सेव है हमारी पिक्चर। ऑल फाइल्स करेंगे तो बीएमपी फाइल्स भी आ जाएंगी। फॉर फोल्डर के नाम से है, ओपन किया, ओके, अप्लाई एंड देन ओके, पिक्चर लग गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें।